अग्निपथ योजना की तीन खबरें चर्चा में रहीं। एक तरफ अनजाने आह्वान पर कथित भारत बंद में ट्रैफिक जाम दिख रहा था, दूसरी तरफ अग्निपथ भर्ती स्कीम में थल सेना की ओर से पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उधर कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार अग्निपथ योजना के पीछे बीजेपी की मंशा को लेकर सवाल उठाते रहे। पहले भारत की बात कर लें तो बंद कुछ ऐसा था कि दिल्ली एनसीआर में जाम ही जाम नजर आया। दिल्ली के उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले बॉर्डर्स पर लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगे क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग में सख्ती हो रही थी। भारत बंद के वजह से दिल्ली एनसीआर में तमाम जगह पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। फिलहाल मैं चिल्ला बॉर्डर के पास हूं और आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक लंबा ट्रैफिक जाम नजर आएगा। ये करीब 3 से 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम आपको नजर आ रहा होगा और ये ट्रैफिक जाम महामाया फ्लाईओवर से लेकर सीधे तौर पर चिल्ला बॉर्डर तक है। बाकी देश में जगह जगह भारत बंद के नाम पर छिटपुट प्रदर्शन। कुछ जगहों पर ट्रेनें रोकी, कुछ जगहों पर सड़कों पर प्रदर्शन हुए, लेकिन बिहार से केरल तक और बंगाल से कर्नाटक तक सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई उपद्रव नहीं। जबकि केरल के पुलिस चीफ ने प्रेस रिलीज निकाल दी, झारखंड के सीएम ने तो पूरे राज्य में स्कूलों तक की छुट्टी कर दी, फिर भी कहीं कोई हिंसक घटना नहीं हुई। इधर विपक्षी दल आंदोलन की बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे थे। दिल्ली में जंतर मंतर पर अहिंसक आंदोलन चल रहा था तो उधर रांची में कांग्रेस के नेता भड़काऊ बातें कह रहे थे। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की याद रख लो मोदी। कांग्रेस के उकसावे भड़कावे के बावजूद कहीं से किसी तरह की हिंसा और उपद्रव की तस्वीरें नहीं। एक दिन के अंदर हिंसक आंदोलन की आग अचानक कैसे बुझ गई और ये भारत बंद बुलाया किसने था, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। सोशल मीडिया पे भारत बंद के आयोजन की बातें चल रही थी। किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी क्योंकि हिंसा के पीछे सबका हाथ होता है, हिंसा का दाग कोई झेलना नहीं चाहता। सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए शुरुआती नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आने वाले 3 दिनों में नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। उस अधिसूचना के जारी होने से पहले सेना की ओर से साफ शब्दों में शर्तें समझा दी गई हैं कि उपद्रव किया तो अग्निवीर नहीं बन पाओ। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। वैसे सेना की ओर से विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी, लेकिन अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद जिन सुधारों का वादा किया गया है उनमें ये सरकारी वादे हैं। इस साल की भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा में 2 साल की छूट का वादा किया गया है। रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण का वादा किया गया है। रक्षा क्षेत्र में 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10% आरक्षण दिया जाने का भी वादा किया गया है। CAPF असम राइफल्स की भर्तियों में 10% आरक्षण देने का वादा किया गया है। इसके अलावा कई निजी वायदे भी हैं, लेकिन सरकार की कोशिशों और सेना के आधुनिकीकरण लक्ष्यों को पूरा करने के बीच सियासी बयानबाजियां और परेशानी खड़े कर रही है। इस ऑफिस में बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आखिर नौजवानों को क्या समझते हैं, वो सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं, कपड़ा धोने वाले बनाना चाहते हैं, और भाजपा कार्यालय में कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं। वैसे सरकार ने कह दिया है
कि अग्निपथ योजना रोल बैक नहीं हो, क्योंकि सरकार कहने को इतना ही कह सकती है। दरअसल मामला पॉकेट का है। सरकार की जेब में इतनी रकम नहीं है कि रक्षा खर्च का आधा पैसा वेतन और पेंशन पर ही खर्च कर आज तक भी हो।